हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे बड़ियों की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। इससे पिछली वीडियोस में हम बिना मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें जिससे एक भी चीज आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूमि, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। भ, भ पे बड़े ऊ की मात्रा, म, म पे छोटी ई की मात्रा। भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहां हम बी एच लिख देंगे। भ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहां पर बी एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, तो यहाँ पर हम एम के आगे आई लिख देंगे। तो ये बन जाएगा बी एच डबल ओ एम आई, भूमि। फूड यानी कि खाना, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। फ, फ पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर है ड, फ को इंग्लिश में एफ लिखते हैं तो यहाँ हम एफ लिख देंगे। फ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा के लिए इंग्लिश में हम डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एफ के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है ड, ड को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एफ डबल ओ डी, फूड। भूत, तो इसे भी हम इस तरीके से पहले अलग अलग कर लेंगे। भ, भ पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर है त, भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है त, त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा बी एच डबल ओ टी, भूत। घूमर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। घ, घ पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर है म, फिर है र। घ को इंग्लिश में जी एच लिखते हैं तो यहाँ हम जी एच लिख देंगे। घ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, म आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जी एच डबल ओ एम ए आर, घूमर। पतलून, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प, फिर है त, फिर है ल, ल पे बड़े ऊ की मात्रा, फिर है न, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, प आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है त, त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब त बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, त, इसलिए यहाँ पर टी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ पर हम एल लिख देंगे। ल पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एल के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ पर हम एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा पी ए टी ए
एल डबल ओ एन पतलून। भूमिका, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। भ, भ पे बड़े उ की मात्रा, म, म पे छोटी की मात्रा, फिर है क, क पे आ की मात्रा। भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं, तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर बी एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे आई लिख देंगे। फिर है क, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ पर हम के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर के आगे ए लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बी एच डबल ओ एम आई के ए भूमिका। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दो, जिससे कि मैं और भी इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, काजू। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क, क पे आ की मात्रा, ज, ज पे बड़े उ की मात्रा, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है, इसलिए के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे बड़े उ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम यू लगाएंगे। इसका रीजन ये है कि जब भी बड़े उ की मात्रा आखिर में आती है, तो वहां पर हम यू का इस्तेमाल करते हैं, डबल ओ हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ हम जे के आगे यू लिख देंगे, तो ये बन जाएगा के ए जे यू काजू। बहू, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ब, फिर है ह, ह पे बड़े उ की मात्रा, ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं, तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ब, इसलिए यहाँ पर बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह, ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं, तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एच के आगे यू लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बी ए एच यू बहू। राजू, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। र, र पे आ की मात्रा, ज, ज पे बड़े उ की मात्रा, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं, तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे बड़े उ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर फिर से हम डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमारी जो बड़े उ की मात्रा है वो आखिर में आती है, तो वहां पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम जे के आगे यू लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आर ए जे यू राजू। झूला, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। झ, झ पे बड़े उ की मात्रा, फिर है ल, ल पे आ की मात्रा, झ को इंग्लिश में जे एच लिखते हैं, तो यहाँ हम जे एच लिख देंगे। झ पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जे एच के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं, तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा जे एच डबल ओ एल ए झूला। पूरब, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग करके लिख लेंगे। प, प पे बड़े उ की मात्रा, फिर है र, फिर है ब, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं, तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प
पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यू लिखेंगे। उसका रीजन ये है कि जब हम पूरब बोल रहे हैं तो उसमें जो प पे बड़े उ की मात्रा है उस पर हम थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, तो जहां पर भी बड़े उ की मात्रा को थोड़ा कम जोर देके बोला जाता है वहां पर डबल ओ का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर यू का इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे यू लगाएंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, र आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब, ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा पी यू आर ए बी पूरब, सूरज। तो इसे भी हम इस तरीके से पहले अलग अलग कर लेंगे। स, स पे बड़े उ की मात्रा, फिर है र, फिर है ज। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम डबल ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर भी हम बड़े उ की मात्रा को थोड़ा कम जोर देकर बोलते हैं वहां पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सूरज में भी जब हम सूरज बोल रहे हैं तो इसमें हम बड़े उ की मात्रा को थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे हम यू लिखेंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है, र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे हम ए लगा देंगे। फिर है ज, ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एस यू आर ए जे सूरज, जादूगर। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ज, ज पे आ की मात्रा, फिर है द, द पे बड़े उ की मात्रा, फिर है ग, फिर है र। ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। ज पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है द, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यू लिखेंगे। उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी बड़े उ की मात्रा को थोड़ा कम जोर दे के बोला जाता है तो वहां पर यू का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे यू लगाएंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। जब ग बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, ग, इसलिए यहाँ पर जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा जे ए डी यू जी ए आर जादूगर, मयूर। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। म, फिर है य, य पे बड़े उ की मात्रा, फिर है र। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है य, य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे बड़े उ की मात्रा है और बड़े उ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। रीजन वो सेम है कि यहाँ पर जब हम मयूर बोल रहे हैं तो इसमें बड़े उ की मात्रा को थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे हम यू लिखेंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा एम ए वाई यू आर मयूर। तो यहाँ पर पूरे होते हैं हमारे बड़े उ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।